वेलकम टू बीएससी लाइव क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तहे दिल से आपको पूरे के पूरे बीएससी बेलतोला एकेडमी की टीम के तरफ से मैं आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम आपके ग्रेड थ्री और ग्रेड फोर के एग्ज़ाम होंगे, दैट इज़ ग्रेड फोर ऑन 21st अगस्त एंड नेक्स्ट इज ऑन 28th अगस्त, ठीक है। तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आज हम लोग करेंगे दोस्तों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि मॉडल टेस्ट पेपर जो हम लोग का मॉक टेस्ट हुआ था, आज हम लोग कंप्लीट डिटेलिंग्स और मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और राइट अप्रोच किस तरह से आपको एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना है, एज अ स्टूडेंट किस तरह से आप इस क्वेश्चन को विद इन कम समय में और विद इन टाइम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कृपया वीडियोस को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको सेम टाइप और सेम पैटर्न्स की आपको क्वेश्चंस देखने को मिले। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बी इज एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में भी सॉल्व किया था। ये बी इज़ द ब्रदर ऑफ डी and D is the sister of E and E is the brother of F, then how is B related to F? That means F का gender unknown है, that means answer will be C and D, that is bro or sis होना चाहिए, ठीक है। चलिए let's move to the next question। A man walks 6 kilometers towards south, turn left 4 kilometers and then again turns towards left, that is 5 kilometers. That means he is facing which direction? That is north. Basically आप ये ध्यान में रखिएगा जब भी direction and distance का question solve करें, ये basic foundation है। अगर आपको ये मैपिंग याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स जयपाल रैंक इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट, दैट इज 45 माइनस 12 इज हाउ मच? 33। दैट मीन्स फ्रॉम हियर टू हियर द पर्सन इज 33, दैट मीन्स जयपाल रैंक विल बी 34th। जयपाल रैंक विल बी 34th। नाउ दिस ये क्वेश्चन जो है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग के बेस में है, दैट इज कंप्यूटर इज कोडेड एज आर एफ यू वी क्यू एन पी एन सी। ये जो सी है ये क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहे हैं, और ये जो ओ है दैट इज फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर का क्या हो रहा है, ये शिफ्टिंग हो रहा है, और उसके बाद ओ के बाद पी, एम के बाद एन, पी क्यू एम एन यू वी टी यू और ई और एफ। दैट मीन्स फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर इज इंटरचेंजिंग। एंड रिमेनिंग जितने भी लेटर वो क्या हो रहे हैं, प्लस वन करके ऐड हो रहे हैं, ठीक है। सेम ट्रिक लगा के आप सॉल्व कीजिएगा मेडिसिन का भी, यू विल गेट द आंसर। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस इज वेरी इजी। ऑल आर माय फ्रूट्स ओनली कैशू इज माय नट, नाउ दिस हैज अ ट्रिकर,
I already told you that 30h, this is difference, 11 into minute hands by 2, this is modulus, okay, this is not bracket. That means time is given is 10 is to 30, that means 30 into 10 minus 11 into 30 by 2. This is gone 15 times, that is 300, difference 165. It will comes around 135. That means 135 degree will be the right answer. ठीक है, 135 डिग्री इसका सही आंसर होगा. तो ये जो है बेसिकली ये 135 डिग्री है. दिस इज टाइपिंग एरर, ओके, प्लीज कंसीडर कर लीजिएगा. दिस इज 135 डिग्री. ये आप लोग कर लोगे, ये बहुत ही इजी है. बस आप इसको, मैं एक अप्रोच बता दे रहा हूँ. सिंपली आपको क्या करना है, देखिए इसको रिप्रेजेंट करना है एक न्यू फॉर्म में. दिस यू हैव टू फॉर्म इन अ न्यू वे. दैट इज के मीन्स व्हाट, K means divide. This is then 2. Q means what? Q means add. You have to simply add. Q means add. Then 3. J means what? J means multiply. And T means what? T means सब्ट्रैक्शन बाई 5. ठीक है, अगर मैं इसको इससे करूँ दैट विल बी 15 प्लस 3 इंटू 8 इज 6 इज 18 माइनस 5. दैट मीन्स वाट विल बी द राइट आंसर, 15 प्लस माइनस विल बी 10 एंड 18 प्लस 10 इज 28 इज द राइट आंसर. 28 इज द माई राइट आंसर. चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is again very easy. Melody in the same way as delicious, then taste is equals to how much? Which one? Taste is, that means this will be voice. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं. मेडिसिन इज सिकनेस, दैट मीन्स नॉलेज, ऑथर एंड टीचर. आपको ऑड कौन सा दिख रहा है, दैट इज इग्नोरेंस. इग्नोरेंस विल बी द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है. दैट मीन्स बी सी डी ए इज इज टू एस टी यू आर. दैट मीन्स पहले वो ए को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, उसके बाद इसको बी सी डी सीरियली वो अरेंज कर रहा है. दैट मीन्स सिमिलरली पहले वो आर को यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, दैट मीन्स एस टी एन यू. सिमिलरली ट्राई टू सॉल्व दिस वन ऑल्सो. दैट मीन्स राइट आंसर विल बी दिस वन. फर्स्ट इज शिफ्टिंग यू को शिफ्ट किया, उसके बाद वी डब्ल्यू एंड एक्स. चलिए ये सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी. ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, आई होप आप लोग कर ही लोगे. दिस इज़ वेरी इजी. दिस मिसिंग नंबर ऑल्सो वेरी इजी. सिंपली दिस इज प्लस 2, दिस इज प्लस 4 एंड दिस इज प्लस 8. दैट मीन्स दिस विल बी हाउ मच, सॉरी दिस इज प्लस 6. 2 फॉर 6 देन दिस विल बी हाउ मच, प्लस 8. That means 32 will be the right answer. चलिए अब आ जाते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में. ए इनकम इज 40% लेस देन बी. ए एक ए है और एक ए बी है. बी अगर 100 है तो ए कितना है, 60. 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 3:5. ये इससे कितना ज़्यादा है, 2. दैट मीन्स 2/3 का वैल्यू. अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप ओरली बोल सकते हैं, दैट इज दिस वन आंसर विल बी 66.67%. ये मैंने बहुत ही बार, इसको मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन आई हैव टॉट मोर देन 2 to 3 टाइम्स. और ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में आपको सॉल्व करके दिखाए हैं.
that is a is to b is 2 is to 3 and b is to 3 is 3 is to 5. That means answer will be 2 is to 3 is to 5. ठीक है, जो भी ऑप्शन से टिक कर लीजिएगा, दैट इज 2 is to 3 is to 5. चलिए अब आ जाते हैं मिक्सर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चंस। इन वन पार्ट फोर पॉइंट वन एंड इन अनदर पार्ट 4.6 एंड इन थर्ड पॉइंट इज 4.25। दैट मीन्स दिस माइनस दिस इज पॉइंट 35 and this minus this is 0.15. Point cancel, that means this is cancelled by 7 times, this is cancelled by 3 times, that is 7 is to 3. 7 is to 3 is the right answer. ये exactly same question है जो मैंने आपको class में भी कराए थे. Suppose profit is my 10%, that means 1 by 10, that is CP and SP. If my CP is 10, then 10 में 1 रुपया का profit, that means SP कितना हो जाएगा 11. अगर इसका value आपके पास 50,000 given है, that means into how much? 5,000. Similarly, इसको भी multiply करेंगे 5,000 से, that means this will become how much? 55,000. ये रेशियो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, दिस इज़ वेरी इजी. चलिए इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं. ए एंड बी इन्वेस्टमेंट रेशियो इज, इसको डायरेक्टली 40 एंड 40 को कैंसिल कर दीजिए, दैट इज, और इसको मैं कैंसिल कर दूँ, 2 1 जा एंड 2 2 जा, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा इन्वेस्टमेंट रेशियो. एंड टाइम रेशियो इज हाउ मच? 3:2. दैट मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस टू, दैट इज 3:4 विल बी द राइट आंसर. चलिए दिस इज टाइम एंड वर्क क्वेश्चन. I'm solving here. If A can do a work in 10 days and B can do the same work in 15 days, दोनों का LCM ले लीजिए. LCM of 10 and 15 will be 30. If LCM is 30, this is my time and this is my efficiency, that means this is 3, this is 2. Find the time taken if both complete the double of the work. Double means 30 double is 60 and divided by 5. Then it equals to how much? That is 12 days. It will take 12 days to complete the double work. अगर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो प्लीज करेक्शन कर लीजिएगा. That is 12 days will be the right answer. Now this is क्वेश्चंस बेस्ड ऑन SI एंड CI. देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आपको SI पूछा है और ईयर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा वन ईयर का ही कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 10% है तो वन ईयर का कितना हो जाएगा? सिंपली 20,000 का 10%, दैट इज 1/10 इक्वल्स टू हाउ मच? 2,000 विल बी द राइट आंसर. 5 सेकेंड से भी कम लगेंगे दोस्तों अगर आपने सही अप्रोच से पढ़ाई किया हो तो. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन ट्रेवल्स बाय अ कार रन्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर. स्पीड आपको मेंशन है, दैट इज
स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रैवल 2400 किलोमीटर इफ मैन विशेस टू डबल द स्पीड ऑफ द कार. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान रखिएगा कि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस भी है वो किलोमीटर में है, तो हम लोग को चेंज करने की नीड नहीं है. बट क्वेश्चंस में क्या होगा, समटाइम्स आपको स्पीड जो है वो किलोमीटर में दिया रहेगा और डिस्टेंस जो है वो आपको मीटर पर सेकंड में दिया रहेगा. तो उसका फॉर्मूला भी है जो मैंने सिखाया है, 5/18 कीजिएगा. आप टाइम निकालने का फॉर्मूला जो है दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस इज हाउ मच, 2400 और डबल द स्पीड दैट मीन्स 30 का डबल करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा 60. दिस जीरो कैंसल, 6 4 जा दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर मैं जाऊँ, सॉरी दिस इज टाइम ओके, दैट मीन्स 40 आवर्स में क्या हो जाएगा, 40 आवर्स में एग्जैक्टली आई विल रीच द डेस्टिनेशन. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर विल बी 40 आवर्स. चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 15. दैट सिंपली यू कैन राइट इट डाउन, द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 15. दैट मीन्स दिस विल बी 450. एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नंबर इज 10. दैट मीन्स 18 इंटू 10 इज हाउ मच, दैट इज 180. एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 11 इज 20. दैट मीन्स दिस विल बी हाउ मच, 220. अगर दोनों को ऐड किया जाए आई एम गेटिंग हाउ मच, 400. दैट मीन्स 450 माइनस 400 इक्वल्स टू 50. 50 विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 इज, ये एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये आपका श्योर शॉट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे ही. दैट इज 42% हैंडशेक्स विद 4C2. ये मैंने काफ़ी बार एग्जाम में बताया दोस्तों, इसका फार्मूला होता है n factorial r factorial n minus r factorial. दैट इज 42 factorial 2 factorial and 42 minus 2 is 40 factorial. दैट विल बी 41 into 40 factorial. दिस वन कैंसल एंड दिस विल बी बाई 21. दैट मीन्स 21 into 41. इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों, इसको हम लोग दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, दैट इज 20 and 1. दैट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूँ दिस विल बिकम हाउ मच, 2 1 2 2 4 8 plus 41. दैट मीन्स 861 विल बी द करेक्ट आंसर, 861. चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 23 इज, सबसे पहले मैं इरेज कर दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 23 इज द प्रेजेंट रेशियो, ये हम लोग ट्रिकर से सॉल्व करेंगे जो कि मैंने बहुत बार बताया क्लास में. यमिनी एंड जिमिनी दोनों का प्रेजेंट रेशियो दिया है 6:7. दिस इज 2022, चार साल के बाद दैट मीन्स 2026 का रेशियो कितना हो जाएगा, 8:9. इन दोनों का गैप 2, इन दोनों का भी गैप 2 और इन दोनों का गैप 4. इफ 2 के लिए 4 है दैट मीन्स 1 के लिए कितना हो जाएगा, 2. आपसे किसका रेशियो पूछा, दैट इज जिमिनी का. दैट मीन्स 2 into 7 विल बी हाउ मच, 14 years. दैट मीन्स 14 years विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 इज बोट्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन है दोस्तों. अगर एक बोट अलोंग द स्ट्रीम एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स डाउन स्पीड जो है वो 25 है और अपस्ट्रीम जो है वो 35 है. आपसे क्या पूछा है, बोट्स इन स्टील वाटर. इसका फार्मूला हो जाता है 25 बोट्स डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2. दैट इज हाउ मच, 60 divided by 2. दैट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये सब मैंने कराए हैं क्वेश्चन, ठीक है अब एक बार देख लीजिएगा. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25. दिस फार्मूला इज LCM इंटू SCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स.
LCM of two number is 1820 into SCF is 26. अगर एक नंबर 130 है तो दूसरा नंबर को आप x लेट कर सकते हो. इसको अगर मैं कैंसिल करूँ 5 टाइम्स एंड दिस विल बी हाउ मच 364 टाइम्स. दैट मीन्स द अदर नंबर विल बी 364. तो आपके ऑप्शंस में जो भी है आंसर विल बी हाउ मच 364. चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. दैट मीन्स एंड हुज रेडियस इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर. साइड ऑफ स्क्वायर फार्मूला विल बी हुज साइड ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज. दैट मीन्स 112 को आपको 4a, ठीक है, इसको आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, दैट विल बी 4a, क्योंकि एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर विल बी 4a इक्वल्स टू 112. दैट मीन्स a विल बी हाउ मच 28, और यही आपका क्या हो जाएगा रेडियस. दिस विल बी रेडियस. दैट मीन्स इफ यू पुट इन दिस फार्मूला इट विल बी 22/7 into 22 into 28. Sorry, this will be also 28. ठीक है, ये बस मेंसुरेशन को है दोस्तों. If you know the formula, you can easily solve the mensuration question. That means 7 gone 4 times, this will be how much? That means 88 into 28. Okay, इसको solve कर दीजिएगा, you will get the answer, that is how much. अगर इसको मैं सॉल्व करूँ, यू कैन सॉल्व लाइक दिस वन, 100 माइनस 12 इंटू 28, दिस विल बी 2800 एंड माइनस हाउ मच 12 एट जै 96, 6 इन हैंड 9, 12 टू जो 24 एंड 9 इज 30, 12 टू जो 24 एंड 9 इज हाउ मच 24 एंड 9 इज 33. दैट मीन्स 10 4 गॉन 6 7 9 में से 3 गया, दैट मीन्स 6 एंड 2 4, दैट मीन्स 2 4 6 4 विल बी द करेक्ट आंसर. सो ये थे सॉल्यूशन जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं. आई होप आपको समझ आएंगे. अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है. और इसके बाद और भी टॉपिक के जैसे कि इंग्लिश और जीके के भी सर आपसे डिस्कस करेंगे, तो कृपया बने रहे वीडियो के साथ. वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें और जितना हो सके मैक्सिमम नॉलेज गेन करें, ताकि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के एग्ज़ाम आएंगे 28 को भी, उसमें आपको हेल्प हो. थैंक यू एवरीवन. हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द पेपर ऑफ ADR व्हिच इज असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. सो वी विल डिस्कस द आंसर एंड हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट द आंसर फॉर द इंग्लिश पेपर, ठीक है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द पैसेज व्हिच इज गिवन हियर. सो यू कैन सी द पैसेज एंड यू कैन रीड द पैसेज अकॉर्डिंगली. सो फर्स्ट थिंग, हाउ यू आर सपोज टू अप्रोच एनी इंग्लिश पैसेज, ठीक है. सो जब भी आपके पास पैसेज आता है इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपके इस एग्ज़ाम के बारे में हो या तो फिर आपके और भी कोई एग्ज़ाम पे अगर आपको इंग्लिश का पैसेज आता है, तो यू आर सपोज टू डू अ पर्टिकुलर इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है. सो यू आर सपोज टू रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है. सो आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं एंड उसके बाद यू आर सपोज टू गो टू द पैसेज. सो व्हेनेवर यू रीड द पैसेज, व्हेनेवर यू रीड द क्वेश्चंस, ठीक है, यू आर सपोज टू नो वन थिंग, चेक वन थिंग, दैट इज़ दैट आपके पास ऐसे क्वेश्चंस कितने हैं जहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग्स पूछा है, ठीक है. सो जब भी आपके पास वर्ड मीनिंग पूछे, वैसे वाले क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है एंड देन यू आर सपोज टू सॉल्व द क्वेश्चन विच आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ योर पैसेज, ठीक है. सो एज वी कैन सी आपका पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे. सो यू आर सपोज टू रीड द पैसेज विच इज अबाउट a lady in a village which who have disguised herself like in a picture of witch, जिसको सब लोग ऐसे सोचते हैं कि वो witch है, but she was not actually, she was disguising herself from the people of her village, ठीक है.
सो आप अगर इसको एक बार पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो व्हाट द पैसेज इज़ व्हाट पैसेज इज़ टॉकिंग अबाउट. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पहला क्वेश्चन इज़ लाइक व्हाट मेड धीरू क्यूरियस. देयर इज़ अ कैरेक्टर इन द पैसेज नेम धीरू, सो उसके बारे में आपसे पूछा है कि उनको वो व्हाई ही वॉज क्यूरियस, राइट. सो योर आंसर शुड बी धीरू वॉज क्यूरियस बिकॉज ऑफ नंबर सी ऑप्शन द फियरफुल एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द विच. ठीक है, सो उसमें जो विच थी उसके उसके बारे में द विलेजर्स वेर वेरी क्यूरियस एंड दे वेर वेरी फ्राइटन अबाउट हर. ठीक है, सो इस वजह से ही वॉज क्यूरियस कि ओके लेट्स सी हु दैट पर्सन इज जो कि विच है जो कि गाँव वालों को इतना डरा के रखा है जिन्होंने. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज़ वाई डिड धीरू एंटर द फॉरेस्ट. तो एज वी कैन सी कि ही वॉज क्यूरियस इन द फर्स्ट क्वेश्चन, सो ही एंटर्ड टू द फॉरेस्ट इन द सेकेंड क्वेश्चन. सो वी कैन सी कि उसके मतलब वो क्यों घुसा था उसमें फॉरेस्ट में. सो द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट द विच. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29, what did the witch do soon after Dhiru caught her? ठीक है, so there was some certain point of time in the passage जहाँ पे आपकी वो जो main character था धीरू ने he caught that witch, so called witch. ठीक है, so उसके बारे में आपको question पूछा है and इस question का answer should be your option number B, she tried to frighten Dhiru and run away. ठीक है, next question number 30, which of the following qualities of Dhiru help him to overpower the witch? ठीक है, so Dhiru के किस quality ने आपकी उसका जो वो witch को पकड़ने के लिए गया था उस चीज़ को पकड़ने के लिए उसको help किया. ठीक है, so your answer should be option number D, courage and strength. Question number 31, which of the following made the widow look frightening? ठीक है, जो वो आपकी widow थी जो कि witch बन के बैठी थी आपके village में, she used to wear a mask. ठीक है, so your answer should be according to that कि वो क्यों डरावनी लगती थी लोगों को just because of her mask. Next one, question number 32, according to the author people play different tricks in order to, the answer should be frighten others who are feeble minded. feeble minded मतलब जो लोग थोड़े से कम ब्रेव होते हैं, जो लोग आसानी से डर जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन द बोल्ड एज यूज इन द पैसेज. ठीक है, तो यू आर सपोज टू चेक इन द पैसेज कि ये जो वर्ड है टुक फोर, ठीक है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग सेम मीनिंग जो जिसको हम लोग सिनोनिम्स भी बोलते हैं वो कौन से वर्ड से मैच करता है एंड द आंसर शुड बी सॉट. ठीक है, सो समटाइम्स इट कैन हैपन कि आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता. ठीक है, बट जब भी आपके पास इस तरीके से ऑप्शन में क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जब भी आपके पास इस तरीके से ऑप्शन में क्वेश्चन दिया जाता है, सो यू आर सपोज टू डू वॉट, एक सेकेंड. ठीक है, जब भी आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन मिलते हैं यू आर सपोज टू डू कि आप एलिमिनेट करते हो. ठीक है, रिमेंबर्ड का मीनिंग सबको पता होगा, कंसिडर्ड का मतलब सबको पता होगा एंड ऑफर जो हम लोग ऑफर करते हैं उसका मीनिंग सबको पता होगा. ठीक है, तो ये सारे टुक फोर का तो मीनिंग नहीं बना सकते, तो इट विल बी डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट आई हैवन मार्क दी, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट. ठीक है, अपोजिट को और एक बार आपके क्वेश्चन में और क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स. ठीक है, एंटोनिम्स करके भी आपको क्वेश्चन में आता है. सो विच इज़ द वर्ड विच इज़ ऑपोजिट टू द वर्ड फाइनली, दैट शुड बी, फाइनली मीन्स समथिंग विच इज़ लास्ट. ठीक है, सो अगर कोई चीज़ लास्ट को होगा तो आपका आंसर शुड बी, ओके, द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34 विच आई वॉज डिस्कसिंग अर्लियर should be initially. ठीक है, आपका जो आंसर है it should be initially. ठीक है, finally मतलब सबसे last, initially का मतलब होता है the starting. ठीक है, okay, तो likewise we will do for question number 35 is that when the witch came to snatch away the bag Dhiru was. ठीक है, so you are supposed to
कंप्लीट द सेंटेंस. ठीक है, जब विच आई थी धीरू के पास, तो धीरू व्हाट वाज ही डूइंग. ठीक है, सो ही वाज फास्ट अस्लीप अंडर द ट्री. ठीक है, मतलब ही वाज स्लीपिंग अंडर द ट्री व्हेन शी ट्राइड टू कैच हिज बैग. ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी योर क्वेश्चन नंबर 36. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. Question number 36. Which of the following is not true in the context amicable of the passage? ठीक है, सो आपको पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है. ठीक है, सो इसमें the answer should be option number D. The witch had no relatives to take care of. Sorry, the answer should be which was not आपको true बोला है ना, तो answer should be A. The witch was really a fearful monster. She was not a fearful monster. She was a normal lady. She was a widow, but she for some reason she was disguising herself from the rest of the villagers. ठीक है, next one, next question should be okay. तो question number 37 is give the synonyms of the following. ठीक है, आपको पूछा है synonyms, that means सिमिलर मीनिंग. ठीक है, सिमिलर मीनिंग हो जाएगा. सिनोनिम्स का मतलब सिमिलर मीनिंग. ठीक है, एंटोनिम्स का मतलब आपका होता है द ऑपोजिट वन. एब्रोगेट मीन्स, द वर्ड एब्रोगेट मीन्स टू रिपील समथिंग. ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होगा इसका, डिले नहीं होगा, डिसमिस नहीं होगा. ठीक है, एब्रोगेट मीन्स टू रिपील समथिंग. जैसे कि आप लोग कोई लॉ हटाते हो. ठीक है, जैसे कि आपका आर्टिकल 370 है ना, जम्मू कश्मीर से उसको एब्रोगेट किया गया, उसको रिपील किया गया. ठीक है, नेक्स्ट वन द वर्ड इज इंसेप्शन. इंसेप्शन का मतलब होता है जिसका कोई जैसे कि स्टार्टिंग. ठीक है, जिसका कोई स्टार्टिंग या तो फिर किसी चीज़ को बिगिन करना. ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सारे चीज़ों का जैसे कि यहाँ पे ए भी इनिशिएटिव है, बी भी बिगिनिंग है, सी भी इनिशियल है, एंड डी भी आपका ओरिजिनल है. सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि जिसका सेम मीनिंग निकल रहा है. ठीक है, तो आप इस केस में आंसर बताओगे ऑप्शन नंबर डी, ओरिजिन मतलब उसका सबसे बिगिनिंग. ठीक है, शुरुआत नहीं करना. शुरुआत करना मतलब इनिशिएटिव होता है, बिगिनिंग मतलब भी शुरुआत करना होता है, इनिशियल मतलब भी स्टार्टिंग का होता है, ओरिजिन मतलब द एक्चुअल पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज एमिकेबल. द वर्ड एमिकेबल मतलब फ्रेंडली. ठीक है, इट्स नॉट पॉइजनस, इट्स नॉट सेटिस्फाइंग, इट्स नॉट हर्टिंग. एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली. नेक्स्ट वन में आपको एंटोनिम पूछा है. ठीक है, एंटोनिम मतलब किसी भी वर्ड का आपको ऑपोजिट बताना है. हार्मनी दैट मीन्स समथिंग विच इज़ इन पीस, तो आपको उसका ऑपोजिट बताना है. ठीक है, तो जिसकी हार्मनी का ऑपोजिट हो जाएगा आपका क्रुएलिटी. नेक्स्ट वन मिथ. मिथ मतलब जिसको जिसमें कोई सच्चाई नहीं हो, जिसमें थोड़ा सा कोई गलत बातें या फिर कोई गलत सुपरस्टिशियस आप बता सकते हो, वो सारी चीज़ें हो, दैट इज़ नोन एज मिथ. दैट वर्ड इज़ नोन एज मिथ. तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ट्रूथ. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, लेमन. ठीक है, सो उसका आंसर शुड बी कंप्लेन. वेर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद समथिंग, सो यू आर सपोज टू राइट लेमन. रेजुविनेट मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा से रिजनरेट करना. एंड रिजॉयस मीन्स बी समथिंग विच यू एन्जॉय समथिंग. ठीक है, जब कोई चीज़ को आप बहुत अच्छे से हैप्पीली एन्जॉय करते हो, दैट मीन्स रिजॉयस. एंड क्राई मीन्स एवरीबडी नोज. ठीक है, सो दीज आर नॉट दी आंसर्स. योर आंसर शुड बी कंप्लेन. ठीक है, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई करेक्ट idioms. द फर्स्ट वन इज एट वंस विथ्स और विथ्स एंड. ठीक है, सो वंस विथ और विथ्स एंड में आपके पास ऑप्शन क्या है, नंबर ए इज टू वर्क हार्ड, नंबर बी टू बी इंटेलिजेंट, एंड नंबर सी टू गेट पजल, एंड नंबर डी टू बी स्टूपिड. ठीक है, सो एट वंस विथ्स मतलब आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम करते हो, या तो फिर आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कुछ भी काम करते हो. ठीक है, सो योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. द
The next question is to take someone to task. इसका आपको literal meaning के according ही अगर आप लोग जाओगे तो आपका meaning solve हो जाएगा, ठीक है? To take someone to task मतलब किसी को काम पे लगवाना, ठीक है? तो इस according आपका question का answer हो जाएगा option number to assign work to someone, ठीक है? यहाँ पे number B, sorry, option number B. Next question, to have someone up one sleeves. And the options are, have a practical plan, number B, having an important project, number C, having ambitious plan, and number D, having a secret plan. ठीक है? तो इसका आप literal meaning के according नहीं जाओगे. You are supposed to give the answer according to the meaning. जैसे कि to have someone's up sleeve, one sleeves मतलब sleeves में कुछ भी चीज, जैसे कि आप imagine कर सकते हो कि आपके आप जब भी full sleeves के shirt अगर use करते हो, you can hide something upon your sleeves, right? To have a secret plan, ठीक है? You can mark this answer. Then number question number 46. After an entire generation of parents and teachers, and what we are supposed to do here? Okay, so we are supposed to put this sentence in a coherent way. ठीक है, coherent way मतलब आपको ये jumbled sentence दिए हुए हैं, ठीक है? This sentence are jumbled, तो you are supposed to put them in a coherent way. Coherent way मतलब in a meaningful way you are supposed to put it. ठीक है? So जैसे कि आपको यहाँ पे PQ options दिख रहा है, जैसे कि PQ R, एक सेकेंड, जैसे कि आपके पास है पी क्यू आर एस ऑप्शन, ठीक है? सो यू आर सपोज टू पुट देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है? तो आपको इनमें ऑर्डर क्या है, जैसे कि ऑप्शंस और नीचे हैं आपके क्वेश्चन के. जब भी आपको इस तरीके से जंबल वर्ड मिले, हमेशा मेक श्योर कि यू आर यूजिंग द ऑप्शंस, नॉट आप वहाँ पे जाके अपना ऐसे दिमाग मत लगाना कि पता नहीं कौन सा कैसा होगा, ठीक है? सो आप हमेशा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना, ठीक है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपका टाइम ज़्यादा सेव होगा. सो अकॉर्डिंगली योर ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ओके, लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरर, ठीक है? सो आपने जो भी ग्रामर प्रैक्टिस किया होगा घर पे, सो उसके अकॉर्डिंग यू आर सपोज टू फाइंड द एरर, चाहे वो आपकी नाउन के बेसिस पे हो या तो फिर प्रोनाउन के बेसिस पे हो, आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बेसिस पे यू आर सपोज टू फाइंड द एरर, ठीक है? सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द रूल्स एज वेल, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मेनी एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है? बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, ठीक है? सो यहाँ पे जो आपका न्यूज़पेपर बोला है, ठीक है? सो न्यूज़पेपर, द वर्ड न्यूज़पेपर नेवर कम्स विदाउट एस, ठीक है? सो यहाँ पे आपका नाउन का एरर है. सो न्यूज़पेपर्स होता है हमेशा, नॉट न्यूज़पेपर. दो इट्स अ सिंगुलर वर्ड, इट लुक्स लाइक अ प्लूरल वर्ड, बट इट्स अ सिंगुलर थिंग, ठीक है? तो आपको यहाँ पे हमेशा एस के साथ बोलना. तो देर आर सो मेनी वर्ड्स जो कि आपका विदाउट एस फुलफिल नहीं करता, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका इनिंग्स हो गया, ठीक है? जैसे कि आपका स्पेक्टिकल्स हो गया, ठीक है? सो देर आर सो मेनी वर्ड्स जो कि विथ एस आते हैं बट दे आर सिंगुलर थिंग, ठीक है? दे लुक लाइक प्लूरल बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. When she retired, she handed dash the charge of the vice president. ठीक है? So ये आपका preposition का question है. So we can we know, अगर इसको normally भी कोई पढ़ेगा तो उसको answer मिल जाएगा, ठीक है? तो handed out नहीं होता. Handed out क्या हो जाएगा? There is no meaning. ठीक है? There is no meaning for this. Handed across is also no meaning. Handed off मतलब किसी से कोई चीज़ लेना, ठीक है? तो हम जब भी ये sentence में क्या बोला है, when she retired, she handed हर चार्ज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है? तो इसमें आपका हमेशा द आंसर शुड बी ओवर, हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ, एंड दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर प्रेपोजिशन, एंड प्रेपोजिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, रीड इट प्रॉपरली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. स्टेटिस्टिक्स डैश ऑलवेज माय वर्स्ट सब्जेक्ट, एंड योर ऑप्शंस आर वेयर इज हैव एन, वेयर इज हैव एन आर, ठीक है? अब ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक है, अगेन जैसे कि मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था न्यूज़पेपर वाला, ठीक है?
दो दैट वर्ड इज सिंगुलर बट इट लुक्स प्लूरल. उसी तरीके से आपका ये स्टैटिस्टिक्स भी है, ठीक है. उसी तरीके से आपके और भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे कि आप इकोनॉमिक्स बोलो, ठीक है, इकोनॉमिक्स बोलो, आप मैथ्स बोलो, ठीक है. दो दिस सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, एक ही सब्जेक्ट है बट उसमें एस आता है हमेशा, ठीक है. तो जब भी आपके पास ऐसे सब्जेक्ट के बारे में नाउन आए, यू आर सपोज टू पुट एस, विदाउट एस यू आर नॉट सपोज टू राइट दी सेंटेंस, सॉरी स्पेलिंग, ठीक है. सो इस केस में दो इट लुक्स प्लूरल बट दे ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन वर्ब, ठीक है. तो आपका आ जाएगा स्टेटिस्टिक इज ऑलवेज माई वर्ब सब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है. नाउ वाइल आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्पेलिंग यू आर सपोज टू प्रैक्टिस और राइट स्पेलिंग, ठीक है. जब आप लिखोगे बहुत ज़्यादा स्पेलिंग तब जाके आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि आपका स्पेलिंग कितना सही है और कितना सही नहीं है, ठीक है. यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग पूछा है एमिनेंट, द वर्ड एमिनेंट. द वर्ड एमिनेंट मीन्स फर्स्ट यू शुड नो द मीनिंग, ठीक है. एमिनेंट मतलब समथिंग विच इज़ प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है. सो योर आंसर शुड बी, एमिनेंट के स्पेलिंग में हमेशा एम ई एम आई एन ई एन टी आता है, सो दिस, ठीक है. सो एक ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अपना स्पेलिंग राइटिंग किस तरीके से सही कर सकते हो, कि वेन एवर यू गेट एनी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट द स्पेलिंग टाइप, तो ट्राई टू स्क्रैम्बल इट समवेयर, ठीक है. टेक अ रफ शीट एंड ट्राई टू स्क्रैम्बल इट समवेयर, तो यू टेंड टू राइट द करेक्ट स्पेलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. जब तक स्पेलिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाता तो यू टेंड टू राइट द स्पेलिंग करेक्ट, ठीक है. तो आप उस तरीके से ऐसे वाले क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है. सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश, ओके. सो थैंक यू एवरीवन.